ये पीके फिल्म के जो है एक्टर आमिर खान, निर्माता निर्देशक विधु विनोद चोपड़ा और राजकुमार हिरानी एवं फिल्म सेंसर बोर्ड की पूर्व अध्यक्षा लीला सैमसन के विरुद्ध देशद्रोह एवं पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के रुपए से पीके फिल्म के निर्माण के विरुद्ध भारत की एकता और अखंडता को चोट पहुंचाने वाले आमिर खान और इन चारों लोगों के विरुद्ध देशद्रोह, धार्मिक उन्माद फैलाने का मुकदमा एसीजीएम 2 के न्यायालय में हमने दर्ज कराया, जीएम सेकेंड के न्यायालय में हमने दर्ज कराया। परिवाद दर्ज हुआ है जिस पे अगली सुनवाई, समस्त साक्ष्यों की सुनवाई है, 10 तारीख लगाई गई है। ये तमाम ऐसे बिंदु हैं जिस पे आमिर खान ने सिर्फ हिंदू देवी देवताओं को, हिंदू धर्म के संतों पर चोट पहुंचाने का कार्य किया। जैसे उन्होंने कहा कि गाय को घास खिलाने से कहां से धर्म होता है, तो मैंने प्रश्न उठाया है आमिर खान से और इन चारों लोगों से कि अगर गाय को घास खिलाने से धर्म नहीं होता तो आप अपने धर्म गुरुओं के कहने पे बकरे को काटते हो, वो धर्म कहाँ होता है? अगर आपने ये कहा, कोर्ट ने मामले को प्रथम दृष्टया अपराध मानते हुए इन लोगों चारों के विरुद्ध परिवाद दर्ज करने का आदेश जारी किया। अगली सुनवाई 10 तारीख को है। तमाम ऐसे बिंदु हैं जिसमें हमने प्रश्न उठाए हैं कि आमिर खान सिर्फ हिंदू देवी देवताओं, हिंदू धर्म संतों के खिलाफ क्यों किया? अगर हाय हुसैन करके अपना सर तोड़ने वाले काम करने वाले आमिर खान अपने समाज पे बात क्यों नहीं किए? तीन तीन शादियां करने वाला आमिर खान अपने समाज की बात क्यों नहीं किया? जी हाँ, उनको जिस दिन मेरिट पे केस डिसाइड हो जाएगा, इन लोगों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी होगा, इनकी गिरफ्तारी कराई जाएगी। हम तो सुब्रमण्यम स्वामी जी का इंतजार कर रहे थे कि उन्होंने कहा था कि आईएसआई का जो पैसा लगा, हम देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कराएंगे, इसलिए मैं इंतजार किया। हमने सारे साक्ष्य जुटा के इन लोगों के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कराया। सुशील कुमार मिश्रा, एडवोकेट, हाईकोर्ट, इलाहाबाद।